हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए लेकर आ गई हूँ एक और माइक्रोवेव का वीडियो। और आज मैं आप लोग के साथ माइक्रोवेव के कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। मेरे माइक्रोवेव में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ, जिससे आप लोग के साथ यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। तो देखिए, आप माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती रहती है। लेकिन जब भी माइक्रोवेव में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसके प्रॉब्लम को दूर करना है। क्योंकि यदि आपने प्रॉब्लम को इग्नोर किया तो आपका माइक्रोवेव खराब भी हो सकता है। तो दिखा देती हूँ कि मेरे माइक्रोवेव में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए, ये रहा मेरा माइक्रोवेव। तो जो मेरे माइक्रोवेव में, ये देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले में कॉकरोचेस दिख रहे हैं, तो ये कॉकरोच आ गए थे। तो आप इस प्रॉब्लम को कभी भी इग्नोर मत करिएगा कि ये कॉकरोच आ गए हैं अंदर, तो ये आराम से कभी भी निकल जाएंगे, हमारे माइक्रोवेव को कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो जरूर निकालना है। तो इस क्योंकि यदि ये जो कॉकरोचेस वगैरह हैं, यदि आपके माइक्रोवेव के अंदर रहे ना, तो ये इससे जो माइक्रोवेव, ये लोग ना कॉकरोच हमारे जो अंदर की जो माइक्रोवेव की जो वायरिंग है ना, वहाँ पर इसके प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और उससे जो आपके माइक्रोवेव में स्पार्किंग भी हो सकती है और आग भी लग सकती है, साथ में आपका माइक्रोवेव ख़राब भी हो सकता है। कॉकरोच के साथ में यदि आपके माइक्रोवेव में कहीं पर भी चींटी भी दिखाई देना, तो भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो उन कॉकरोच और चींटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है ये। तो ये देखिए, ये हिट है, ये हिट की चौक होती है, ये बहुत आसानी तरीके से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसका किस तरह से आप यूज़ करेंगे वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। और इस जो चौक है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसको आप अंदर लगाएंगे तो इसका कुछ खाने में इफ़ेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं आएगा इसमें, इसका कोई भी प्रभाव आपके खाने पर नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस चौक को अंदर की तरफ इस तरह से लाइन खींच देना है। और आप अंदर, आप देखिएगा जाली दिख रही है ना, तो आपको उस जाली के जहाँ पर जाली रहती ना, वहाँ पर भी आपको इस तरह से एक लाइन बना देना है। क्योंकि यहीं से जो कॉकरोच वगैरह होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, और बाहर की तरफ भी आपको इस तरह से लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये तो रहा अंदर का। अब आपको जो माइक्रोवेव का जो बाहरी हिस्सा है ना, वहाँ पर भी आपको इसी तरह से इस चौक से इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो देखिए, मेरे माइक्रोवेव में जो कॉकरोचेस हैं ना, वो पहली बार आए हैं, क्योंकि जो मैं अभी थी नहीं घर पे, वन वीक के लिए मैं बाहर गई थी, तो उस समय मेरा माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके माइक्रोवेव में कोई चींटी या कॉकरोच ना आए, तो अपने माइक्रोवेव को आप यूज़ करते रहिएगा। लेकिन बहुत से लोग बहुत बिज़ी होते हैं, वन मंथ में एक दो बार ही माइक्रोवेव चलाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि ये चौक लीजिए और अपने जो माइक्रोवेव के आसपास और माइक्रोवेव में इस तरह से लाइन खींच देंगे तो आपके माइक्रोवेव में कभी भी चींटी और कॉकरोच नहीं जाएगी और आपका माइक्रोवेव सेफ रहेगा। तो चींटी को भी जैसे आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि चींटी से भी जो अंदर की जो वायरिंग है ना, चींटी ख़राब कर देती हैं और उससे स्पार्किंग हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पीछे की तरफ भी मैंने अच्छी तरह से चौक को लगा दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने अच्छी तरह से चौक को लगा दिया है। जब मैंने इस चौक को लगाया ना, तो एक दो दिन बाद जब मैंने नीचे देखा था ना, तो 3 से 4 कॉकरोच मुझे मरे पड़े दिखाई देते, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो यदि अंदर भी कॉकरोच हैं, अंदर पहुंच चुके हैं, तो आप इस तरह से लाइन खींच देंगे ना, तो कॉकरोच कभी ना कभी तो बाहर निकलते हैं और वो इस लाइन से कॉन्टैक्ट में आके वो मर जाते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपके माइक्रोवेव में कॉकरोच या चींटी अंदर गई है, तो आप इस तरह से इस हिट वाली चौक का इस्तेमाल करिए, आपका माइक्रोवेव सेफ रहेगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो।